आज मोरखा 5 मई 2024 ईस्वी बरोज एतवार हायर सेकेंडरी स्कूल उखराल में एक पोगली बाज़म अदब की एक मीटिंग मुनक्कद की गई जिसमें बहुत से मेम्बरान ने और सामीन ने शिरकत की और इसमें ये फैसला तय पाया गया कि इस कमेटी की मुदत 2 साल पूरी मुकम्मल हो चुकी है और अब नए इलेक्शन करना मतलूब हैं। इसके लिए इस कमेटी के इस बज़म के सदर अब्दुल लतीफ बुलबुल साहब को तब तक के लिए अबूरी सदर मुंतखब किया गया और मुझे मुजफ्फर अहमद कटोच को इलेक्शन कमीशनर मुकर्रर किया गया। मेरे साथ इफ्तियाज अहमद सोहिल साहब को, नवेद अंजम साहब को और वसीम डेंग साहब को एआरओ मुकर्रर किया गया है। मेरे साथ साजिद कटोच को भी एआरओ मुंतखब किया गया है। इसके लिए हम तमाम हमदर्दान पोगली ज़बान को ये मतला करना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम एक लिंक क्रिएट करेंगे जिसमें जो भी मेंबरशिप ड्राइव के लिए तो सभी लोग जो भी इस अपनी मादरी ज़बान के साथ मोहब्बत रखते हैं वो अपन मेंबरशिप ड्राइव के लिए ये अपना मेंबरशिप फार्म भरेंगे। उसके बाद हमें कुछ वक्त दिया गया है तक 4 जून तक जिसके लिए हम इलेक्शन के लिए बाकी मवाद तैयार करेंगे और जो भी हजरात उसके बाद हम एक लिंक क्रिएट करेंगे और जो भी हजरात सदर की कुर्सी के लिए अपने कागजात नामजदगी करना चाहते हैं वो उसके बाद अपने कागजात पेश करेंगे उस लिंक में भरेंगे तो उसके बाद फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अलविदा होना चाहता हूँ। ये सेक्रेटरी साहब ने आज जो यहाँ पे एक सलाहनामा पेश किया उस पर सबने इत्तेफाक राय किया और इस तरह से इत्तेफाक राय ये फैसला किया गया तो हम सभी जितने भी हजरात हैं जो कि पोगली ज़बान से हमदर्दी रखते हैं वो अपने आप को तैयार रखेंगे मेंबरशिप के लिए भी और सदर के कुर्सी के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे। वसलाम।